hey everyone welcome back to investopedia india world of health creation with shafali पेनी स्टॉक ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा क्योंकि आजकल क्योंकि मल्टी ईयर बुल रन चल रहा है ये पेनी स्टॉक का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है और इसका रीजन है आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है 2022 के पेनी स्टॉक के परफॉर्मेंस का ये चार्ट है एंड आप देख सकते हो 2484 परसेंट तक के रिटर्न एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर जो कि स्टॉक बहुत ही सस्ता था तो उसमें वॉल्यूम में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर के लिए बहुत ईजी था और बहुत अच्छे रिटर्न लोगों ने कमाए सो दिस इज द रीजन पेनी स्टॉक का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है और

आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं पैनी स्टॉक से रिलेटेड हर चीज़ लेके आई हूँ कि पैनी स्टॉक क्या होता है क्या उसके मेजर फीचर्स होते हैं किस किस टाइप के पैनी स्टॉक होते हैं और एंड में हम टॉप पेनी स्टॉक्स जिनमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स से लिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे उनके फंडामेंटल्स हम डिस्कस करेंगे लेकिन डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ उतना अमाउंट इन्वेस्ट करो जो अगर डूब भी जाए तो आपको दर्द ना हो ये पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होना चाहिए जो लोग अपना बहुत मेजर मनी पेनी स्टॉक में लगा देते हैं उन्हें

कस्टमाइज पर्सनलाइज किसी भी फॉर्म में आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो आपको अपना फ़ोन उठाना है मुझे व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है नाइन एट टू वन सिक्स डबल वन डबल सिक्स सेवन पे या फिर आप मेल कर सकते हो इन्वेस्ट टू इंडिया जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर या फिर आप नीचे कॉमेंट करके भी बता सकते हो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें से किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं ये भी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड आई एम अगेन से वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी और आप सही डिसीजन मेकिंग कर पाओगे सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट आर पैनी स्टॉक्स बेसिकली पैनी स्टॉक्स इस तरह के स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ही छोटी कंपनी के यू नो लिस्टेड स्टॉक्स है जो बहुत कम रेट पर अभी अवेलेबल है जनरली दस रुपये से कम में जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पैनी स्टॉक्स कहा जाता है नाउ अगर हम बात करें फीचर्स पैनी स्टॉक के क्या होते हैं मेजर तो लो लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी है वो पैनी स्टॉक्स में बहुत कम होती है उसके बाद अगर सेकेंड फीचर की बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा बहुत ही लिमिटेड होता है क्योंकि जनरली जो कंपनीज अभी नई लिस्टेड हुई है वो भी पैनी स्टॉक की ही कैटेगरी में आती है जैसे फॉर एग्जांपल पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग बहुत मोटिवेटेड है वो बोलते हैं कि टाइटन और इस तरह के बड़े बड़े स्टॉक भी एक पर्टिकुलर टाइम पे तीन में अवेलेबल थे पैनी स्टॉक थे और उसमें इन्वेस्ट करके इतने थे रिटर्न हमने कमा लिए या लोगों ने कमा लिए तो हम भी इस तरह के पैनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं एटसेकट्रा एटसेट्रा सो यस जो हिस्टोरिकल डेटा है वो बहुत लिमिटेड होता है पैनी स्टॉक्स का जो वोलेटिलिटी है वो मैंने आपको बोला बहुत ज़्यादा हाई होती है मैनिपुलेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा है, होते हैं बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव ये स्टॉक्स होते हैं एंड जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होती है कॉस्ट पर शेयर डेफिनेटली बहुत कम होती है सस्ते होते हैं ये स्टॉक और इसी वजह से इतना ज़्यादा क्रेज होता है लोगों में बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ले सकते हैं और अगर ये मूव कर गए तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएगी जैसे स्टार्टअप कल्चर चल रहा है जब जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट सोचते हैं कि हम दस स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं इसमें से अगर एक भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया तो हमें जो रिटर्न मिलेंगे वो बचे हुए नाइन पैसा लगाया जो डूब गया उसको कवर कर लेगा उसी तरह से जो पैनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं लोग उनका यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक भी बहुत अच्छे रिटर्न दे देता है बहुत अच्छा मल्टीपैगर बन जाता है तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे जो बाकी के लॉसेस को कवर कर देंगे सो बट माई गोल्डन रूल इज कि अगर आप पैनी स्टॉक में पैसा लगा भी रहे हो तो इतना कम लगाओ कि वो पैसा पूरा डूब जाए तब भी आपको कोई दर्द ना हो सो प्लीज ग्रीडी होके बहुत सारा पैसा पैनी स्टॉक में बिल्कुल मत लगाइए नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो टाइप्स ऑफ पैनी स्टॉक्स पैनी स्टॉक्स मेजरली तीन टाइप के होते हैं द फर्स्ट वन इज टर्न अराउंड पैनी स्टॉक टर्न अराउंड पैनी स्टॉक इज अ स्टॉक जो बहुत टाइम से बहुत कम रेट पे चल रहा था या पहले अच्छे रेट पे होता था बट किसी पर्टिकुलर रीजन से नीचे गिर गया था और अब टाइम है जब उसमें टर्न अराउंड आने वाला है जो वापस से वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला है या बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाने वाला है सेकेंड कैटेगरी है स्टॉक जिसका फ्यूचर कुछ पता नहीं कंपनी के बारे में कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं उसके प्रमोटर्स है या तो बहुत मैनिपुलेटिव है या फिर मैनिपुलेटर्स के हाथ में वो स्टॉक पड़ चुका है थर्ड स्टॉक जो थर्ड कैटेगरी है पैनिंग स्टॉक की दैट इज ग्रोथ स्टॉक जिसमें अभी तक इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई प्रोबेबली अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है या जो भी रीज़न है बट अगर हम मॉडल देखें फंडामेंटल्स देखें फिनेंशियल देखें तो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है एंड इसीलिए वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो ऑब्वियसली अब ये तीनों टाइप ऑफ पैनी स्टॉक्स उनके डेफिनेटली ये क्लियर होता है कि हमें या तो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर टर्न अराउंड स्टॉक्स में और स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स से डेफिनेटली दूर रहना चाहिए क्योंकि टी स्टॉक्स जिसमें अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मैंने निकाले हैं अलग अलग सेक्टर्स से लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके निकाले हुए हैं और इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे ऐसा नहीं है मैं जो पेनी स्टॉक्स पर पे रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये थोड़े ठीक ठाक लगे इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अपनी खुद की रिसर्च आप इस पर ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्ट करने के पहले और बहुत कम अमाउंट ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा सो so नाउ द फर्स्ट वन इज तिरुपति फोर्ज ये कास्टिंग फोर्जिंग या ऑटो एंसिलरी का स्टॉक है जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस का था दैट वॉज ट्वेंटी रुपीज टेन पैसा आज के इस वीडियो में हम जो पैनी स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्सिमम ट्वेंटी रुपीज़ तक के होंगे उससे महंगे स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे सो प्रीवियसली इट क्लोज एट ट्वेंटी रुपीज़ टेन पैसा अगर हम देखें कि इसका मार्केट कैप कितना है तो टू हंड्रेड एंड एट करोर है हाई इसका गया है फिफ़्टी टू वीक में ट्वेंटी फाइव रुपीज़ सिक्सटी पैसा एंड फिफ्टी टू वीक लो इसका रहा है सिक्स रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसा पी की अगर हम बात करें तो थर्टी पॉइंट फोर फाइव और सेक्टर पी है तो पी की में वो है गोल्ड स्टार पावर बैटरी स्टॉक है ये इसका प्रीवियस क्लोज वो सिक्सटीन रुपीज मार्केट कैप इसका थ्री नाइन टू करोर फिफ्टी टू वीक हाई इसका रहा है ट्वेंटी थ्री रुपीज थर्टी फाइव पैसा और फिफ्टी टू वीक लो इसका रहा है वन रुपीज नाइन पैसा अगर पी की हम बात करें इसका पी अवेलेबल नहीं है सेक्टर पी इज जस्ट फाइव पॉइंट ऑन टू दर्ड स्टॉक ऑफ वीडियो सर्वेश्वर फूड बेसिकली राइज में डील करती है ये कंपनी प्रीवियस क्लोज इसका था ट्वेल्व रुपीज नाइन्टी पैसा मार्केट कैप इसका है करोड़ फिफ्टी टू वीक हाई इसका रह चुका है रुपीज पैसा और फिफ्टी टू वीक लो इसका रह चुका है फोर रुपीज पी इसका है नाइन्टी और सेक्टर पी है 66 .66. तो पी के टर्म्स में ये ओवर वैल्यूड है बट अभी आज के वीडियो में, में जितने भी आपको स्टॉक्स बताने वाली हूँ उन सब में मुझे ये स्टॉक सबसे अच्छा लगा पिछले कई बार से इसमें अपर सर्किट भी लग रहा है नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वर्गो ग्लोबल ये आई टी सर्विस एंड कंसल्टिंग का स्टॉक है प्रीवियस क्लोज इसका था टेन रुपीज़ एटीन पैसा फिफ्टी टू वीक हाई इसका रहा है सेवनटीन पॉइंट फाइव नाइन फिफ्टी टू वीक लो इसका रहा है फोर्टी थ्री पैसा पी इसका अवेलेबल नहीं है सेक्टर पी है थर्टी सेवन पॉइंट नाइन वन कमिंग ऑन टू द फिफ्थ स्टॉक ऑफ टूडेज वीडियो जे पी पावर जे पी पावर एक बहुत ही फेमस कंपनी आप सब ने इसका नाम सुना होगा एंड आप सबको पता होगा पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है द प्रीवियस क्लोज प्राइस ऑफ दिस वन इज ट्वेंटी रुपीज ट्वेंटी फाइव पैसा मार्केट कैप इसका है थर्टीन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी नाइन करोर फिफ्टी टू वीक की अगर हम बात करें फिफ्टी टू वीक हाई इसका रहा है ट्वेंटी फोर रुपीज़ और फिफ्टी टू वीक लो इसका रहा है फाइव रुपीज़ फिफ्टीन पैसा पी इसका है थर्टी फोर पॉइंट वन टू एंड सेक्टर पी इज ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन फाइव तो पी के टर्म्स में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है बट आई फील अभी भी इसमें थोड़ा और ग्रोथ हो सकती है क्योंकि पावर सेक्टर पर्टिकुलरली अभी अट्रैक्टिव लग रहा है और जेपी पावर इज वन ऑफ द नोन नेम्स तो इस अच्छा मूवमेंट और दिखा सकता है द सिक्स स्टॉक ऑफ टूडेज वीडियो इज विकास इकोटेक ये है स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक प्रीवियस क्लोज इसका था फोर रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसा फिफ्टी टू वीक हाई इसका रहा है फाइव रुपीज़ सिक्सटी फाइव पैसा एंड फिफ्टी टू वीक लो इसका रहा है टू रुपीज थर्टी फाइव पैसा पी इसका है नाइन्टी थ्री एंड सेक्टर पी इज फोर्टी थ्री पॉइंट वन सिक्स तो पी की टर्म्स में बहुत ही हाई वैल्यूड है सेवंथ इज कम्फर्ट ये फिनेंस सेक्टर का स्टॉक है एन बी एफ सी स्टॉक है प्रीवियस क्लोज इसका था टेन रुपीज़ सिक्सटी टू पैसा फिफ्टी टू वीक हाई इसका रहा है एलेवन रुपीज़ फिफ्टीन पैसा एंड फिफ्टी टू वीक लो इसका रहा है वन रुपीज़ नाइनटी एट पैसा अगर हम बात करें पी की तो पी इसका है ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू जीरो और सेक्टर पी है थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स फोर यानी पी की टर्म्स में ये अंडर वैल्यूड है मुझे लगता है ये सेकंड स्टॉक है जो मुझे सर्वेश्वर फूड के बाद पसंद आया एट स्टॉक ऑफ टूडेज वीडियो इज जैन फारा सेक्ट एंड इसका प्रीवियस क्लोज वो वन रुपीज़ सेवेंटी थ्री पैसा फिफ्टी टू वीक हाई इसका रहा है दस रुपये और फिफ्टी टू वीक लो इसका रहा है नाइन्टी नाइन पैसा पी वग़ैरह डेटा इसका बिल्कुल अवेलेबल नहीं है नाइन्थ स्टॉक ऑफ टूडेज वीडियो इज सुमित इंडस्ट्रीज ये टेक्सटाइल एंड अप्रैल का स्टॉक है प्रीवियस क्लोज इसका था थ्री रुपीज़ फिफ्टी पैसा फिफ्टी टू वीक हाई इसका रहा है सेवन रुपीज़ फोर्टी फाइव पैसा एंड फिफ्टी टू वीक लो इसका रहा है टू रुपीज़ अगर पी की हम बात करें तो इसका पी अवेलेबल नहीं है सेक्टर पी इज ट्वेंटी लास्ट स्टॉक ऑफ टूडेज वीडियो दैट इज वी जी फिनेंस ये भी फिनेंस सेक्टर का स्टॉक है दैट इज एन बी एफ सी इसका प्रीवियस क्लोज बॉस टू रुपीज फिफ्टी पैसा फिफ्टी टू वीक हाई इसका रहा है रहा है वन रुपीज फिफ्टी पैसा पी इसका अवेलेबल नहीं है सेक्टर पी इज थर्टी वन पॉइंट सिक्स फोर मैंने आपको टॉप टेन जो मुझे लगते हैं वो पैनी स्टॉक्स बताए पैनी स्टॉक्स के बारे में सब कुछ बताया लेकिन आपको उससे क्यों दूर रहना चाहिए या फिर अगर इन्वेस्ट करें तो किस स्ट्रेटी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बताया आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए और आप पैनी स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं ये भी कॉमेंटरी बताइए थैंक यू सो मच